ये हाय दोस्तों, मैं हूं आपका भाई करण कुमार। सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। जितना मैं थैंक यू कहूं उतना कम है, आप लोग समझ सकते हो। और यहां पर आप लोगों ने अपने भाई के चैनल को 50,000 सब्सक्राइब कर दिया है और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आप लोग बहुत जल्द 100K सब्सक्राइब भी कंप्लीट कर दोगे यार। और गाइस, इसी खुशी में मैं आज आपको 3 फ्लिप सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। देखो, पहला स्टंट रहेगा किकअप, दूसरा स्टंट रहेगा सुसाइड किकअप, तीसरा स्टंट रहेगा बैक हैंड स्विंग। देखो, तीनों फ्लिप एक दूसरे से रिलेटिव हैं। देखो, यहाँ पर आप लोग किकअप कर लोगे तो सुसाइड किकअप आ जाएगा, आप लोग सुसाइड किकअप कर लोगे तो आप लोग बैक हैंड स्विंग आ जाएगा, कोई भी डर नहीं लगेगा। चलो हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लो, आप लोगों को फ्लिप सीखने से पहले दो एक्सरसाइज करना। पहली एक्सरसाइज रहेगी आपकी कमर, कमर की एक्सरसाइज आप लोग जितना ज़्यादा करोगे आप लोगों को उतना फायदा रहेगा, तीनों फ्लिप में काम आएगी कमर। चलो यहाँ पर हम लोग कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको डी बनना आना चाहिए, डी। तो गाइस, आपको इस प्रकार डी बनाना आना चाहिए। आपको इस प्रकार नहीं आ रहा तो आप लोग लेट के बन जाना, लेट के, सिंपल तरीका। या आप लोग दीवार या पेड़ की मदद से भी डी बन सकते हो। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपको पुशअप करना है, हाथों में पावर लाना। देखो ऐसे करके, आपको इस प्रकार करना, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा कर लेना। ये हो गई आपकी दो एक्सरसाइज। अब यहाँ पर आपको किकअप की प्रैक्टिस करना, क्योंकि तीनों फ्लिप एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप लोग किकअप सीख जाओगे तो मान लो आप लोग सुसाइड किकअप भी सीख गए, सुसाइड किकअप सीख जाओगे तो बैक हैंड स्विंग सीख जाओगे बिना डर के। अब यहाँ पर किकअप करना कैसे, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो, आपको इस प्रकार लेट जाना है, दोनों हाथ ऐसे करते हुए पीछे को रखना, पैर ऐसे। अब यहीं से आपको पैर को किक मारना और हाथों से पुश, आपको अपनी बॉडी को डी बनाते हुए उठाना है। स्टार्टिंग में आप लोगों से नहीं होगा ऐसे करें, ऐसे स्टार्टिंग में आप लोगों से इस प्रकार होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पर देखो, आप लोग इस प्रकार भी गिर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करते रहना। आपको ये नहीं सोचना मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अब यहाँ पर और ज़्यादा आपको किक, देखो आपको और किक हाई और हाथों से पुश, जितना हो सके आप लोग खड़े हो जाओगे। तो गाइस यहाँ पर देख लो, ये किकअप है। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा फ्लिप, सुसाइड किकअप। सुसाइड किकअप आप लोग सीख जाओगे, आपको बैक हैंड स्विंग बैक फ्लिप आ जाएगी। इसलिए मैंने बहुत ही रिसर्च किया, सर्च किया, मैंने सोचा कोई आसान तरीका बताते हैं बैक हैंड स्विंग सीखने का, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सुसाइड किकअप कैसे करेंगे देखो यहाँ पर, और आपको बता देना चाहता हूँ, आपको सेफ्टी का विशेष ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सुसाइड किकअप करना कैसे, देखो आपको इतना बैठ जाना और हैंड ऐसे रखना है और आपको सेफ्टी का ध्यान रखना। अब यहीं से आपको पहले अपने हैंड ले जाना है पीछे को और हैंड ले जाना है और फिर आपको उसी प्रकार किकअप करना, कुछ इस प्रकार। ये इसे बोलते हैं सुसाइड किकअप। आपको डर लगेगा मुझे पता है, मगर आप लोग सेफ्टी के ध्यान देते हुए करोगे तो डर खत्म हो जाएगा। तो ये तो गाइस देख लो, इस प्रकार कुछ सुसाइड किकअप है। आपको करना क्या है, ऐसे डाउन हो जाना, आपको पहले अपने हैंड फिटिकना है, हैंड जैसे आपके पीछे जाएंगे तो आपको वहीं से किकअप कर देना है, सेम है। तो ये आपको आ जाएगा तो आप लोग बैक हैंड स्विंग बहुत जल्द सीख जाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको सही तरह से सुसाइड किकअप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख लो, आप लोग इस प्रकार भी हो सकता है आप लोगों से जब करोगे। तो गाइस देख लो, ये है सुसाइड किकअप। आपको सेफ्टी ध्यान देते हुए इसकी प्रैक्टिस करना। अब हम लोग सीखेंगे बैक हैंड स्प्रिंग, इसी को आपको बदल देना है, सिर्फ आपको इसी को बदल देना बैक हैंड स्प्रिंग। कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम लोग सुसाइड किकअप कर रहे थे, उसी प्रकार आपको करना है। ये देखो,
आप समझ सकते हो, इसी प्रकार आपको इसकी प्रैक्टिस करना आ जाएगी बैक हैंड स्प्रिंग। नीचे लेवल से करना है आपको, खड़े होकर नहीं करना, डर लगेगा आपको, वही करना। देखो आपका सर इसी प्रकार टच होगा जो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे जब आपका डर खत्म होने लगे आपको धीरे धीरे खड़े होकर कोशिश करना है। इस प्रकार फिर आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहना आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप लोगों से उसी प्रकार होगा, आपका सर टच हो जाएगा और हाथ भी मुड़ जाएंगे। तो जितना हो सके आप लोग अपनी कमर को यूज करो। गाइस आप लोग देख लो, आपके सामने मैंने बैक हैंड स्विंग करके दिखा दिया। सुसाइड किकअप से पूरा रिलेशन है, आप लोग समझ सकते हो, उसी प्रकार है आपको, मगर बैठ के प्रैक्टिस करना। जब आप लोगों से आने लगे आप लोग खड़े होकर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको तीनों फ्लिप सही तरह से करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग इस प्रकार तीनों फ्लिप सीख सकते हो। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप लोग 100K भी सब्सक्राइब कंप्लीट कर दोगे, 1,20,000 सब्सक्राइब आप लोग कंप्लीट कर दोगे। और आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो मेरा सेकेंड चैनल है उसमें भी आप लोग जाके सपोर्ट करो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय।